एक और अहम खबर आपको देंगे। डीआईजी शारिक जमाल की पुरेसरार मौत का मामला, लाहौर में निस्तर कॉलोनी पुलिस ने मकतूल की बेटी हानिया की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में कत्ल की दफात के तहत खातून समेत 7 नामजद मुलजमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसी बारे में बात करते हैं, सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज बताइए, मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई? देखें, अभी तक जो वो सिर्फ मुकदमा हुआ है और गिरफ्तारियों के हवाले से पुलिस का ऐसा कहना है कि बच्चे की जो तफ्तीश है वो मेरिट के ऊपर की जाएगी और डीएजी शारिक जमाल की पुरेसरार जो मौत है वो अब नया रुख अख्तियार कर चुकी है और पुलिस ने मकतूल की बेटी हानिया शारिक की दरख्वास्त पर खातून समेत 7 अफराद के खिलाफ जो है वो नामजद मुकदमा दर्ज किया है और FIR के मुताबिक शारिक जमाल को मनसूबा बंदी के तहत जो है वो जहर देकर कत्ल किया गया है। और शुक्रिया सरफराज, इस बारे में आप बता रहे थे।